चुकी है और तुम्हारे लिए तो क्या? नायरा और उसकी दादी सास के बीच एक बार फिर छिड़ गई है जंग। हमारा तो खून खौल रहा था, फिर भी हमने उसे एक मौका दिया। आपको अबॉर्शन वर्ड से नफरत है ना, उससे तकलीफ हो रही है ना आपको, तो उसके बारे में सोचिए जिसके साथ वो हुआ होगा, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। हाँ वो तो होना ही था, जो हरकत दादी समझती है नायरा ने की है तो उस वजह से तो जंग छिड़नी है। दादी नायरा से बहुत नाराज हैं और उनकी नाराजगी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि नायरा की दादी और भाभी माँ ने आज सुहासिनी गोयनका को दो बातें सुनाई हैं। आज जो भी आपने नायरा के साथ किया वो बिल्कुल सही था, हमारा तो खून खौल रहा था, फिर भी हमने उसे एक मौका दिया अपनी सफाई देने का। दादी प्लीज। जब बेहोश नायरा को देखने के लिए डॉक्टर आए थे और यहाँ कार्तिक ने भी नायरा का पक्ष लेकर अपनी दादी से लड़ाई कर ली तो दादी की नाराजगी और बढ़ गई। हाँ क्योंकि वो गुस्सा इतना भरा हुआ है ना दादी के अंदर, क्योंकि दादी को ऐसा लगता है कि लड़की ने झूठ बोला, इतनी बड़ी बात हो गई शादी से पहले और हमें पता नहीं था, तो ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली का विश्वासघात किया।